नमस्कार, मैं उमा श्रीवास्तव आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे, जैसे कि गर्मी का सीजन है तो नकसीर फूटना यानी कि नाक से खून आना, ये शिकायतें ज्यादातर गर्मियों में बच्चों को बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो मैं इसी का बहुत ही सरल सा घरेलू उपाय बताऊंगी। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी जानकारियां अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स करिए, लाइक भी करिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सके। अब आपको करना क्या है, जैसे कि ये गर्मी का सीजन है तो इस जो मुल्तानी मिट्टी आती है बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगी पंसारी की दुकान में, तो आपको करना है कि एक टुकड़ा मुल्तानी मिट्टी का पानी में आप जैसे रात में भिगो के रख दीजिए एक कटोरी में। अब जब आप सुबह उठिए, किसी भी बच्चे की या बड़े की जिसकी भी नकसीर ज्यादा फूटती है, नाक से ब्लड ज्यादा आता है, तो उनको ये करना है कि ये जैसे सिर का तालू होता है बीचों बीच, ये जैसे यहाँ पे होता है, अगर आप अपनी उंगली रख के ऐसे मतलब टच करेंगे दबाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि कोई चीज धड़क रही है। तो ये सिर में सबके होता है, तो यहाँ पे इस जगह आपको ये करना है कि मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट नहाने के आधा घंटा पहले, जैसे कोई बच्चा नान गर्मी का सीजन है, कोई नुकसान करने की चीज तो है नहीं, तो आप वो मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट पतला कर लेंगे और तालू में ऐसे इधर पे 15-20 मिनट या आधा घंटा नहाने के पहले बच्चे को आप लगा के छोड़ दीजिए, जिसको प्रॉब्लम हो उसको लगा के छोड़ दीजिए। अब ये मुल्तानी मिट्टी वाला पेस्ट कम से कम आधा घंटा लगा रहने दीजिए, फिर उसके बाद नहा लें। तो जिसको भी ये परेशानी होगी ये उपाय करेगा, कम से कम अगर एक हफ्ते आप लगातार कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप एक हफ्ते लगातार नहीं कर पाते तो एक दिन छोड़ के कर सकते हैं। एक मतलब कहने के 7-8 दिन आप ये जब प्रयोग करेंगे तो ये शिकायत नकसीर फूटने वाली बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुल्तानी मिट्टी ठंडी होती है और इससे होगी कि आपके दूसरा उपाय यह है कि आपके बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये बहुत ही सरल से घरेलू उपाय है। नमस्कार।